राजस्व प्रभारी बने सूरज कैरो ने कहा कि वो कामकाज संभालते ही शहर के हित में वसूली के काम को प्राथमिकता के साथ पूरा करेंगे, जिससे निगम की माली हालत में जल्द सुधार दिखाई देगा। ये बात सूरज कैरो ने डीजी न्यूज संपादक बालकृष्ण मुले से हुई चर्चा में कही। भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चे के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और इंदौर नगर निगम के मनोनीत राजस्व समिति के प्रभारी सूरज कैरो जी हमारे साथ है। सूरज जी, आपका डीजी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत, और आपके पास जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आई है उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। सूरज जी, सबसे पहली बात करेंगे कि आप साधारण व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं, अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं, किस तरह की योजनाएं होती है और किस तरह के काम किए जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का पर्यायी विकास है, या विकास का पर्यायी भारतीय जनता पार्टी है, और उसी के नाम से आज भारतीय जनता पार्टी जो है मतलब प्रदेश से लेकर के और देश तक अपना परचम फहराए हुए है, और विकास के नाम पर ही उन्हें विश्वास मिल रहा है और यह जीत मिल रही है, और निश्चित रूप से देश एक नए विकास की ओर तीव्र गति से बढ़ रहा है। देखा गया है कि दलित समाज को भारतीय जनता पार्टी ने भारी कोशिशों के बाद, भारी मशक्कत के साथ में ढेर सारे सम्मेलन कराने के बाद में जोड़ने का प्रयास किया, कितना उन्हें रिस्पांस मिल पाया? क्या दलित समाज भारतीय जनता पार्टी से कितना प्रतिशत जुड़ चुका है अभी तक? मुरली जी, देखा जाए तो जो है मतलब पिछले 65 साल से कांग्रेस शासित ये प्रदेश रहा है, और हमेशा कांग्रेस ने जो है मतलब इस दलित वर्ग को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है, और हमेशा उनका वोट बैंक का इस्तेमाल करने के बाद उनकी जो आर्थिक स्थिति है, उनकी जो शैक्षणिक स्थिति है, या उनके रोजगार के प्रति जो उनका जो एक विकास जो होना चाहिए ना, वो नहीं के बराबर हुआ है। उनकी स्थिति 65 साल में जस की तस रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद में एक दलित वर्ग के अंदर, एक अनुसूचित जाति समाज के अंदर एक नया एक विश्वास जागा है, और भारतीय जनता पार्टी की ओर तेज़ी से वो अग्रसर हुआ है और जुड़ा है, क्योंकि एक दूरगामी परिणाम उनको उनके हित में दिख रहे हैं, जिससे कि कुछ एक कॉन्क्रीट सुधार, जिसको बोलेंगे जमीन से जुड़ कर के एक मजबूत सुधार होने की गुंजाइश है, जो 65 साल में नहीं हो पाया वो पिछले हमको 5-10 साल में देखने को मिल रहा है। निश्चित रूप से दलित समाज जो है ऐसे उनके जो ज़मीनी काम हैं और ठोस काम हैं उनसे प्रभावित होकर के बहुत तेज़ी से जुड़ रहा है, और काफ़ी हद तक वो जुड़ भी चुका है। देखा जाता है कि आप उत्तरांचल के भी प्रभारी है, मोर्चा के माध्यम से लगातार काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान चला रही है, विशेष रूप से मोर्चा में आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, किस तरह का माहौल तैयार किया जा रहा है, क्या लोग, कितनी संख्या में, क्या प्रतिशत रहा उनका, जो कि केंद्र में सरकार नहीं थी उस समय कितने सदस्य थे, और अब चूँकि ओवरऑल भारतीय जनता पार्टी का एक तरफा माहौल बन चुका है, ऐसी स्थिति में क्या सदस्य संख्या लगातार बढ़ती जा रही है? हाँ मुले जी, अभी देखने को तो क्या हमारे को मध्य प्रदेश में भी जो है हमारे अनुसूचित जाति मोर्चे ने एक अच्छा खासा लक्ष्य लिया है और उसे भी उनने प्राप्त कर लिया है। मुझे भी यहाँ पर जवाबदारी जो दी गई थी उसका मैंने निर्वाह किया है, कुछ विधानसभा की जवाबदारी दी गई थी उसका भी मैंने निर्वाह किया है। उत्तराखंड के अंदर जो है अभी मैं पिछले समय गया था तो कुमायूं मंडल का पूरा हम लोगों ने दौरा किया था, जगह जगह जिलेवार हमने बैठ के ली थी, जिला अध्यक्ष वहाँ के पदाधिकारी बहुत ही ऊर्जा के साथ में, तेज़ी के साथ में इस अभियान में जुटे हुए हैं, और बहुत अच्छा जो है वहाँ पर प्रतिसाद मिल रहा है। जो लक्ष्य मोर्चे ने जो उत्तराखंड में जो लिया था और उसे लगभग वो उनने पूरा भी कर लिया है, और लक्ष्य के अलावा भी करने के प्रयास अभी जारी हैं। देखा जाता है कि प्रदेश के मुखिया जो है शिवराज सिंह चौहान लगातार हर वर्ग पे पूरा पूरा ध्यान देने की कोशिश करते हैं, आप उनसे लगातार संपर्क में रहते हैं, मोर्चा के अलग अलग बैठकें होती है, किस तरह का रिस्पांस होता है, किस तरह के उनके मन में जिद होती है कि हर अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक राज्य शासन की योजनाएँ पहुँच सके? देखा जाता है कि अशिक्षा का अभी भी माहौल देखा जाता है निचले स्तर पर, उनको शिक्षा मिले, उनको सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, किस तरह का जन जागृति अभियान प्रदेश सरकार और आप दोनों मिलकर, संगठन मिलकर करने जा रहे हैं? अभी पुलिस देखा जाए तो पिछले मैं बता रहा था जैसे कि कांग्रेस के शासनकाल में और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में काफ़ी अंतर है। आज बाबा साहब अम्बेडकर जी के चार धाम हैं, एक तो जन्मस्थली महू है, एक दीक्षा भूमि नागपुर है, चैत्य भूमि मुंबई है, और परिनिर्माण भूमि अपने 26 अलीपुर दिल्ली है। इन चारों को अगर इनका अगर विकास करने का, इनको स्थापित करने का, इनका स्मारक बनाने का अगर श्रेय किसी को जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को जाता है, जबकि 65 साल से कांग्रेस भी रही शासन में उन्होंने कभी भी ईश्वर देखा नहीं है। माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जी जो कि हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में उनके विचार पंक्ति के आखिरी व्यक्ति, एकात्मक मानववाद, उस दृष्टि से वो काम करते हैं और हर एक व्यक्ति के उत्थान के लिए वो चिंतित रहते हैं, इसलिए काफ़ी कल्याणकारी योजनाएं, लगभग 200 के आसपास ऐसी योजनाएं हैं जिनका निरंतर रूप से लाभ आम जन को, गरीब जन को
मिलता जा रहा है। उन्हीं ने एक परंपरा चालू की कि हमारे आराध्य देव संत रविदास जी, उनका महाकुंभ उन्होंने लगाया उज्जैन में, जो हर प्रतिष्ठा लगता है सागर में भी लगता है, वैसे ही कबीर जयंती पर भी जो है महाकुंभ लगाया जाता है, महर्षि वाल्मीकि जयंती है, तो ऐसे अन्य जो आराध्य देव हैं हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के, उनको भी सम्मान देने का काम किया है। उनके नाम से अवार्ड भी उन्होंने स्थापित किए हैं जो कि उस अवसर पर वितरित किए जाते हैं। तो ऐसी भावना को देखते हुए जनमानस पूरी तरह से इस वर्ग का उनके प्रति बहुत विश्वास रखता है, बहुत मान करता है, सम्मान करता है, इसलिए तेजी से उनके साथ में वो जुड़ता जा रहा है। यही कारण है कि तीसरी बार हम लोगों ने मध्यप्रदेश सरकार बनाई। आगामी माह में 14 अप्रैल को फिर बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मस्थली पर महाकुंभ लगेगा, किस तरह की तैयारियां इस बार राज्य शासन मुख्यमंत्री जी ऐसा क्या करना चाहते हैं जहाँ पर देश भर के जो अगाध श्रद्धा रखने वाले अनुसूचित जाति वर्ग के लोग हैं, सामान्य लोग हैं, बाकी जो इतर जाति के लोग हैं, उन लोगों को अच्छी सुविधाएं मिले, चुकी अब तीसरी बार मुख्यमंत्री बन चुके शिवराज जी, लगातार महाकुंभ हो रहा है, इस बार कुछ विशेष होने या विशेष तैयारियों का सिलसिला शुरू हुआ है? प्रतिवर्ष जो है वहाँ पर महाकुंभ लगता है जन्मस्थली महू में, और चूंकि हमारे वहाँ के विधायक या अपने हमारे प्रदेश के मंत्री जो कि उस क्षेत्र के विधायक भी हैं, और वो भी इस वर्ग के प्रति बहुत ही मान सम्मान पूरा रखते हैं, और उनके रेंत में दिनों दिन जो है उस कार्यक्रम में और निखार बढ़ता जा रहा है, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी होती हैं। 3-4 रोज पहले से ही जो है मतलब पूरे देश से वहाँ पर जो है वहाँ के अनुयायी वहाँ पर आते हैं और आकर के जो है मतलब वहाँ उनको रहने की, वहाँ पर उनको नहाने की, वहाँ पर उनको जो भी नियमित जो उनकी काम जो आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति हेतु भोजन की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था, 3-4 दिन वहाँ कंटिन्यू वहाँ पर जो है पूरी व्यवस्था वहाँ रहती हैं, और बड़े हर्षोल्लास से काफ़ी बढ़ चढ़ के लोग वहाँ शिविर भी लगाते हैं, कैंप भी लगाते हैं, जिससे कि वो आम जन की सेवा कर सके, और माननीय मुख्यमंत्री जी भी उस जन्मदिन के अवसर पर वहाँ पर आकर के सभी को शुभकामना भी देते हैं, मालापन करते हैं, और वहाँ पर दलित वर्ग के लिए कुछ नई नई योजनाओं की घोषणा भी करते हैं। आप राष्ट्रीय स्तर पर काम करने का आपका अच्छा खासा अनुभव हो चुका है, प्रादेशिक स्तर पर आप पूरे समाज को संगठित कर चुके, पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान आप सागर विधानसभा के दावेदार भी रहे, लेकिन फिर आपको आकर एक अपने ही इलाके से इंदौर नगर निगम का चुनाव लड़ा दिया जाता है, ये राजनीतिक घटनाक्रमों के बदलने के पीछे क्या कारण है? मूल्य जी क्या है कि भाई हमारी तो हमेशा इच्छा होती है कि भाई निरंतर जो है अपन सीढ़ी दर सीढ़ी बढ़ते जाएं, ज़्यादा तो इच्छा नहीं है कि छलांग लगाने की, लेकिन इच्छाएं तो रहती हैं, क्योंकि मैं पहले भी पार्षद रहा, MICME में रहा, और वहाँ से मैं दावेदार भी था, और निरंतर वहाँ के लोग मुझे वहाँ के सब चाहते भी थे, और काफ़ी कुछ क्षेत्र की मुझे जानकारी भी थी, और मैं बहुत कुछ करने की इच्छाएँ भी थी, लेकिन मैं अपनी दृष्टि से सोचता हूँ, पार्टी अपनी दृष्टि से सोचती है, पार्टी के भी कई नज़रिए होते हैं, तो पार्टी जो डिसीजन लेती है वो सही लेती है, और हम तो एक सिपाही हैं, पार्टी हमको चाहे तो विधायक लड़ा दे, वो चाहे तो हमें एक पार्षद चुनाव लड़ा दे, चाहे हमें सभापति बना दे, चाहे वो MIC में बैठा दे, जो भी प्रभार दे, दायित्व दे, बस हमें तो निरंतर उनकी कसौटी पे खरे उतरना है, ऐसा ही हमारा अपना प्रयास रहता है। MIC में आपका दायित्व जो है सुनिश्चित कर दिया गया, आप राजस्व का काम का संभालेंगे, और आप जानते हैं कि शहर बढ़ता जा रहा है, लगातार कंस्ट्रक्शन होते जा रहे हैं, भवन बन रहे, लोग अपनी अपनी संपत्तियां बना रहे हैं, लेकिन नगर निगम में कोई भी टैक्स जमा कराना नहीं चाहता, चाहे वो नल का हो चाहे अन्य टैक्स हो, कोई जमा नहीं कराना चाहता, किस तरह की प्राथमिकता है आपकी, किस तरह से आप वसूली अभियान चलाएंगे, जिस तरह से बाकी जिलों में देखा जाता है, बाकी नगर निगम में देखा जाता है कि अन्य अन्य की मदद लेकर, यूँ कहे कि किन्नर समाज की तक मदद लेकर वसूली की जाती है, किस तरह की प्लानिंग से खासतौर से वसूली के लिए, क्योंकि जब तक वसूली ना होगी शहर का विकास नहीं हो पाएगा। इसमें मूल्य जी अभी क्या है कि ये तो सही है कि मतलब राजस्व कहें उसको नगर निगम की इनकम का एक मुख्य एक माध्यम है, और जो कि संपत्ति कर के माध्यम से आता है, जल कर के माध्यम से आता है, मार्केट्स के माध्यम से आता है, ऐसे अन्य कर और भी हैं जिसके माध्यम से मतलब नगर निगम की आय होती है, और जितनी ज़्यादा आय होती है निश्चित रूप से उतना ही विकास इस शहर के अंदर होता है। हालांकि क्या है कि जिस अनुपात में जो आय में वृद्धि होना चाहिए वो बड़ा चिंता का विषय है, वो हो नहीं पा रही है। आज महानगर के कगार पर हमारा इंदौर नगर खड़ा हुआ है, और उसे तेज़ गति से आगे बढ़ाने के लिए हर एक नागरिक को अपने कर के प्रति जो दायित्व है उसका निर्वाह उन्हें करना चाहिए। कर्मचारियों से भी मैं वही बोलता हूं, और वही हम लोग आकलन भी कर रहे हैं कि जो उनकी क्षमता है उनकी क्षमता का उपयोग अभी अगर ठीक से नहीं हो पा रहा है तो पूरी क्षमता के साथ वो काम करें, और अभी भी समय भी हमारे पास मार्च एंडिंग चल रहा है तो 10-12 दिन रह गए हैं, जितना ज़्यादा बेहतर हो सकता है हम लोग इसमें रिकवरी करने की कोशिश करेंगे, और आम करदाताओं को इस ओर हम मतलब आकर्षित करने का प्रयास करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर हमारे जो उनके प्रति नगर निगम का देय है वो उन्हें यहाँ पर अदा करें।
पूरे मनोबल के साथ एक बार फिर सूरज कैरो शहर की राजनीति में दखल अंदाजी करते दिखाई देंगे राजस्व समिति के प्रभारी के रूप में और लोगों में ये कोशिश करेंगे कि वह कर देने की आदत बना ले। कैमरा पर्सन गजेंद्र सिसोदिया के साथ मैं बालकृष्ण मुले, डीजी न्यूज़ इंदौर।